बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। साथ ही कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी मौजूद रहे। एकता के दौड़ को यहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झंडी दिखाई और फिर एकता और सत्य निष्ठा की शपथ ली। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृहमंत्री थे, जब देश आजाद हुआ तो ऐसा करते हैं, हमको सबको ऐतिहासिक जानकारी है कि आजादी तो हमें 1947 में देश की जनता ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बड़े बलिदान दिए, हमको आजादी तो मिली, इस देश की एकता को जोड़ने के लिए संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको संविधान तो दिया, लेकिन उस संविधान को लागू करने की अंग्रेज जाते हुए एक कुटिल चाल जो चली, यहाँ जो देशी रास्ते थी उनको छूट देकर के गए थे। आप चाहें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आ जाए अथवा अपना संविधान भी आप बना करके लागू कर सकते हैं। और आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने उनकी स्मृति में पुष्प अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। इंदिरा गांधी को उनके साहस और दृढ़ निश्चय के लिए आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1966 से लेकर 1984 तक देश का नेतृत्व किया। और वहीं शिमला में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रिंच मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नमन किया। रिंच मैदान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सरदार पटेल को भी श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को भी याद किया। और किसानों की महापंचायत पर मुख्यमंत्री का बयान, उन्होंने कहा कि हम किसानों को हर सुविधा देने की कोशिश में हैं, पराली के मुद्दे पर समाधान